हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल श्यामल मिश्रा स्टूडियो। आज हम लोग एक सिटीस्केप ट्राई करेंगे जिसमें एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पेंटिंग बनाएंगे। अभी मैं बिल्डिंग का जो टॉप रूफ है एक उसका आउटलाइंस को मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं ध्यान रख रहा हूँ पर्सपेक्टिव जो है उसका लेफ्ट साइड बड़ा साइज दिखाई देगा और राइट साइड जो है सॉरी लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड छोटा और राइट साइड बड़ा दिखाई देगा। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द पर्सपेक्टिव एंड द सोर्स ऑफ लाइट विल बी फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कीप वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्यामल मिश्रा स्टूडियो ऑन यूट्यूब। सो मैं इस साइड बिल्डिंग से भी बना रहा हूँ, सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप द ब्लॉक्स ओनली, मीन्स द शेप्स। सो आई विल बी यूजिंग टू और थ्री फिगर्स इन डिस्टेंस एंड हियर आई विल बी ड्राइंग एन ऑटो गुड्स, एक ऑटो में बना रहा हूँ जिसमें भी मैं, आप देख सकते हैं मैं ब्लॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली। और ऑटो जो हम इंडियन मार्केट में जो ऑटो मिलता है वो जनरली गुड्स जो कैरियज ऑटो है उस, चूँकि ये मार्केट का एक सिनेरियो मैं ट्राई कर रहा हूँ और इस पर भी मैं ब्लॉक का ही पहले, मीन्स जब ड्राइंग हम लोग करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है चूँकि ड्राइंग में पर्सपेक्टिव एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑटो जो है थोड़ा सा फोर सेटनिंग में है, मींस फ्रंट साइज जो है उसका ज़्यादा दिख रहा है, बैक साइड थोड़ा कम दिख रहा है, छोटा सामने बड़ा पीछे छोटा और बहुत डिटेल नहीं, जस्ट चक्का भी प्रोपोर्शनेटली सही होना चाहिए क्योंकि बेसिकली जो ड्राइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू ड्रॉ नो इन अ स्केची वे, यूज स्ट्रेट स्पीड लाइन्स इंस्टीड ऑफ गोइंग इन टू मच डिटेल। आई विल सजेस्ट नॉट टू गो इन टू मच डिटेल। सो हियर कुछ रूफ्स है प्लास्टिक का कवर किया हुआ जो आमतौर पर इंडियन मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में देखा जाता है, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ शेप्स। और कुछ होर्डिंग बोर्ड साइन बोर्ड्स वगैरह का भी मैं सजेस्ट करूँगा। ये एक चौल जैसा बिल्डिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है। और यहाँ पे मैं अभी एक फिगर का ब्लॉक ट्राई कर रहा हूँ, उसको भी प्रोपोर्शनेटली मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑटो के साथ, तो उस हिसाब से मैं उसका साइज़ भी डिनोट कर रहा हूँ। और एक फिगर मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो जब कलर हम लोग स्टार्ट करेंगे आई विल बी यूजिंग वाटर कलर हियर, कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर। So here is the composition. So now you can see the already the perspective have arrived like this. So it's one point perspective and the color perspective I'll be showing you right now. Let's start. So पहला मैं क्या करूँगा, मैं building से start करूँगा। यहाँ पर color mixing very important है। I have taken cobalt blue along with viridian as well as some sort of crimson here and using flat brush, so as to I'm trying to change the colors gradually. इससे क्या होता है, एक अच्छा illusion means gorgeous look feel आता है। और वेट ऑन वेट ही मैं अभी ट्राइंग करूँगा चूँकि फर्स्ट टोन है और मैं जो ट्राई करूँ, अभी मैंने ब्राउन एंड प्रशियन ब्लू मीन्स ग्रे जो वर्मिलियन है उसके साथ मैंने थोड़ा सा येलो और ब्लैक एंड प्रशियन ब्लू ये मिला के मैंने एकदम डार्क टोन बना लिया पहले, क्योंकि मुझे पता है उस साइड लाइट नहीं पड़ रहा है और अंदर साइड है। और वेट ऑन वेट ही मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि कलर आपस में ब्लेंड भी हो जाए, हार्ड स्ट्रोक्स अभी नज़र ना आए। So this is very important and color mixing is very important if you want to keep the colors fresh. So be conscious about mixing colors and try to complete the first tone
इन अ डार्कर वे, मीन्स जहाँ पे डार्कर कलर्स है ऑलरेडी या चाहिए वहाँ एक ही बार में आप डार्क कलर यूज़ कर दो, क्योंकि उसके ऊपर लेयर आप डार्क टोन में जहाँ करने जाओगे ज़्यादा तो उस वक्त मैट हो जाता है। तो मैं वही ट्राई किया, मैंने डार्कर वैल्यूज़ को पहले ट्राई किया जहाँ पे डार्कर है जितना अमाउंट पे, और चूँकि पेपर अभी वेट ही है यहाँ पे मैं चार्ट पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग वेरी थिन चार्ट पेपर, इट्स कॉस्ट अराउंड 5 rupees फॉर द फुल शीट एंड आई एम यूजिंग क्वार्टर साइज। सो नाउ आई हैव टेकन वेरिडियन ग्रीन फॉर अ ब्राइटर वैल्यू, मीन्स जस्ट एज आई हैव यूज द ऑफ कलर्स इन द बिल्डिंग, सो समवेयर यू नो कॉन्ट्रास्ट, जस्ट टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट एंड आई एम यूजिंग दैट। सो नाउ आई एम यूजिंग अगेन वेरी डार्क कलर and the paper over where I am using the color is still a bit wet, so this is very important. You have to if you want to keep your colors very fresh, so try to use wet on wet technique on that particular area, and if you don't want, you know, your hard strokes, so कुछ कुछ जगह लाइन्स, समटाइम लाइन्स क्रिएट अ यू नो वेरी गुड इम्प्रेशन। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट, यू नो विंडोज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द यू नो डायमेंशंस हियर ओनली, यू कैन सी द डेप्थ ऑफ द कलर। Now by using some lines I am trying to suggest the you know windows and so here I am using again darker value with a bit water, so sometimes straight lines and sometimes horizontal lines, sometimes vertical lines, you just want to show window doors like. So here I am going to use very darker tone to create, you know, contrast. As from this side, the source of light I want to create. So I am using only geometrical blocks to suggest, you know, the shapes of, you know, window, doors, roof, etc. So यहाँ पे मैंने एक चीज़ और try किया है कि मैंने ब्राउनिश ब्लूइश कलर्स पे ज़्यादा यूज़ किया है डार्कर वैल्यूज़ के लिए, प्लस ब्लैक, डायरेक्ट ब्लैक मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने प्रशियन ब्लू एंड वेरिडियन रेड एंड अ बिट ऑफ ब्लैक, इससे क्या होता है सेकंड टोन में ही मैंने जितना डार्कर वैल्यूज़ मुझे अप्लाई करना था मैंने अप्लाई किया, और लगभग वेट ऑन वेट ही, इसे क्या होता है कलर फ्रेश रहता है। बहुत ही केयरफुली लाइंस शुड बी यूज्ड, यू कैन यूज वेरी फाइन लाइंस बिकॉज लाइंस आर वेरी लाइन शुड बी वेरी स्मार्टर। यहाँ पे मैं कुछ बोर्ड्स को सजेस्ट करूँगा, अगेन लाइटर वैल्यू डार्कर वैल्यू बैलेंस, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस ऑल दोज थिंग्स। इस साइड में लाइट कलर्स का ही यूज करूंगा, अगेन आई एम चेंजिंग, हियर इज अ प्लास्टिक रूफ जस्ट टू शेड, यू नो क्रिएट अ शेड, अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, वन मोर प्लास्टिक रूफ इज देयर। सो इन दिस वे कीप ऑन चेंजिंग द कलर्स, इट्स वेरी एसेंशियल टू मेक यू नो कलरफुल and dynamic composition. So yeah, I am very careful about, you know, relieving the roof, and over there I can suggest some pillars, pipes, so just trying to break, you know, the composition, and gradually I'm trying to keep on changing the colors just to show some elements over there on the darker areas.
तो यू कैन सी अगेन येलो के नीचे मैं थोड़ा सा डार्क अगर चला दूँ तो शेड के शेड पता चलता है कि उसके नीचे देयर इज अ शैडो एंड ट्राइंग टू रिलीव द एलिमेंट्स. सो हियर इज अ ऑटो एंड देयर आर टू फिगर्स ओवर देयर. सो if you want the figures in lighter color, and it should be actually because of the source of light, then you have to use a greater value. And mind mein ye cheez rakhna hai ki maine auto ka color ko kya karna hai. To auto ka color jo hai uske aas pas wo colors nahi honi chahiye. Suppose you want to fill the color of the auto as you know green. So don't use green in nearby side beside of auto. So this is how we can go. And gradually I'm trying to bring, you know, the form, the lighter, you know, reflection, the source of light, the illusion of source of light. So again, moving to that side. Here I'll be showing again far buildings and two figures are there and some tiny elements, just suggestion of few dots and lines, and I'm trying to keep on changing. मैं जितना भी figures है मैं try कर रहा हूँ सबको white छोड़ के रखने का और back side उसका dark. इससे क्या होता है contrast create होता है छोटा छोटा चूंकि है tiny tiny works. Paper white is very essential here to create contrast. Again I am taking you know cobalt blue. Cobalt blue से मैं कुछ कुछ lines का use करके auto को show करूँगा. Bluish color का मैं auto बनाना चाहता हूँ तो मैं एकदम cobalt blue use करके cobalt के साथ फिलहाल मैंने कुछ मिक्स नहीं किया है. आई हैवंट मिक्स्ड एनी काइंड ऑफ कलर. आई एम यूजिंग डायरेक्ट कोबाल्ट ब्लू हियर. नाउ जस्ट टेकिंग अ बिट ऑफ मोर वाटर एंड समटाइम्स अ बिट ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द कोबाल्ट ब्लू. सो दिस वे वी कैन जनरेट यू नो डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो ऑफ सेम कलर. सो हियर आर द लाइट्स हेडलाइट्स एंड कुछ कुछ लाइंस को मैं वाइट ही छोड़ दूंगा ताकि फ्रेम का पता चले चक्कर के आगे जो फ्रेम है. इससे क्या होता है लेस वर्क करके भी हम लोग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो इन दिस वे बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द शेप्स बिकॉज यू आर what I am trying to work on the shapes particularly and the values of colors. कहीं पे अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा डार्कर वैल्यू बढ़ाऊंगा. चक्का में मैंने वही जो डार्कर ब्राउनिश जैसा एक कलर है मैंने उसका यूज किया. थोड़ा लंबा जैसा चक्का और बैक साइड का जो मड गार्ड है यहाँ पे मैं फ्रंट चक्का में लाइट छोड़ूंगा. आई विल लीव लाइट जस्ट टू शो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द व्हील. एक पतला लाइन आई कैन ड्रॉ अ लाइन ओवर देयर एंड द बॉटम साइड आई कैन जनरेट अ ग्रेटर वैल्यू टू गेट अ डायमेंशन ऑफ दैट ऑटो. And on the wet surface, I'll be using some more darker values and it will create a good illusion. Just want to create a window. So I'm using a bit of green with that blue. And here you can see. Now, pani thoda jyada use karna hai. Yahan jo shadow hai. जो ग्लास पे शेडो पड़ रहा है उसमें ब्लू कलर का यूज़ नहीं करके मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया. ऐसे थोड़ा आई कैन डिफरेंशिएट एक्चुअली. सो अभी इस तरह से अब मैं
क्योंकि फिगर को मुझे बनाना है, मैं वहाँ एक डोर बनाऊंगा जो बहुत ही डार्क कलर का होगा और उसके उसको इतना डार्क रखूंगा कि फिगर मैं लाइट कलर का कर सकूँ। इससे क्या होगा, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा और विजिबिलिटी बढ़ता है, इस डार्क के अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट डार्क। इन दिस वे आई यूज टू मूव अगेन वन फिगर। मैंने बस वो डार्क कलर चेंज कर दिया, मैंने ग्रीनिश ग्रीन मीन्स वेरिडियन एंड प्रशियन ब्लू का मैंने यूज़ किया यहाँ पे अभी राइट नाउ। सो कलर का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है टू कीप इट फ्रेश। व्हाट कलर यू आर मिक्सिंग अलोंग विथ व्हाट एंड वेयर यू आर यूजिंग इट, सो ट्राई टू यूज यू नो डार्क अगेंस्ट लाइट, लाइट अगेंस्ट डार्क। सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू यूज टू मच डार्कर टोन्स because just to create you know point of interest on the left side. So here I want to suggest some boards, sign boards, the market like feel. Just I'm trying to keep on changing the colors, you can see. बोर्ड है, दो फिगर हो गया और उसको मैं पूरा ऑफ कर दूंगा डार्कर वैल्यू से ताकि बेस भी पता चले कहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है। सो ये जो लाइन है बेस का है, तो एक डार्कर लाइटर वैल्यू अभी से ही पता चल रहा है। मैंने क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं येलो कलर के ऊपर थोड़ा सा रेड ताकि येलो को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर द आई रोटेशन। जस्ट आई एम सजेस्टिंग, नॉट गोइंग डिटेल्स, जस्ट पुटिंग सम लाइंस डॉट क्रॉसेस टू सजेस्ट यू नो सम राइटअप्स ऑन द बोर्ड। कुछ कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसके लिए मैं कुछ डॉट्स कुछ क्रॉस लाइन्स का यूज करके मैंने सजेस्ट किया। अब ग्रेजुअली मैं कुछ कुछ जगह और वैल्यू बढ़ाऊंगा ताकि इसका शेप को और थोड़ा सा डिफाइन कर सकूं। ज़्यादा वर्क नहीं क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी ड्राइंग और शेप विजिबिलिटी। अब बहुत ही हार्डर शेडो बनाऊंगा क्योंकि डे टाइम जो है डे टाइम में बहुत हार्ड शेडो पड़ता है, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ जस्ट यूजिंग सम डार्क lines, taking care of the angle of the you know sun. अब इस साइड में मैं कुछ वाटर टैंक शो कर रहा हूँ जिसमें भी मैं थोड़ा सा कलर वेरिएशंस रखूँगा। आप चाहो तो वहाँ पूरा फ्लैट एक कलर भी कर सकते हो, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले विथ कलर्स, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग यू नो लाइटर अगेंस्ट डार्क, डार्कर अगेंस्ट लाइट एंड trying to keep you know changing the colors. So mixing color is very important here. One more building on the back side I can show. मैं एक और building वहाँ बनाना चाह रहा हूँ। अगर lighter color अभी चला रहा हूँ क्योंकि देखूँगा अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको dark कर दूँगा। ये depend करेगा अभी यहाँ पर जो मैं color चलाऊँगा buildings को उसका value के ऊपर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा off color use करूँगा, yellow ochre, ग्रीन, जो भी कलर बना है उसी पे मैं थोड़ा सा ऑकर यूज़ कर लिया ताकि एक यू नो मडी कलर, चूँकि इस साइड बहुत ही ब्राइट कलर है तो उसको ऑफ कलर ही मैं यूज़ करूँगा। अगेन आई एम यूजिंग ट्राइंग टू कीप यू नो ऑन चेंजिंग द कलर्स। मैं कलर को बार बार चेंज कर करके यूज़ कर रहा हूँ, एक जगह पे एक ही कलर को नहीं भरना है, इससे अच्छा एक मूड क्रिएट नहीं हो पाता है। नाउ ग्रेजुअली बिल्डिंग का ऊपर साइड थोड़ा लाइट, धीरे धीरे नीचे की ओर वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो मैं उसी का ध्यान रख रहा हूँ। कुछ कुछ डॉट्स सजेस्ट करके विंडो, कुछ लाइंस जस्ट टू शो यू नो द एंगल ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे एक थोड़ा सा डार्कर वैल्यू यूज़ करके मैं शेप जो एक शेड जैसा अम्ब्रेला जैसा है उसको मैं शो कर सकता हूँ।
कुछ कुछ डार्कर डॉट्स लाइंस कंप्लीट सजेशंस निकाल सकते हैं। स्केच वाटर कलर स्केच मीडियम बहुत ही मज़ेदार है, इट टेक लेसर टाइम, सो लेट्स इंक्रीज। वो जगह लाइटर चुकी है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस साइड लाइट तो उतना पड़ेगा नहीं, तो लेट्स इंक्रीज द वैल्यू हियर ऑन दैट बिल्डिंग टू क्रिएट यू नो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई रोटेशन ऑन दैट साइड ऑल्सो। सो ग्रेजुअली डार्कर, अब मैं कुछ कुछ छोटा छोटा टाइनी वर्क्स कर रहा हूँ लाइंस एंड डॉट्स का, जिससे मैं ड्राइंग को और जस्टिफाई कर सकूँ एक्चुअल में वहाँ क्या क्या है। और ये जो लाइंस है ये मैं पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए कुछ कुछ लाइंस खींच रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर डिटेल्स, जस्ट आई एम ट्राइंग टू यू नो यूज़ द लाइंस टू सजेस्ट द पर्सपेक्टिव। अब हम लोग फिगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स यूज सम लाइंस, स्ट्रेट लाइंस टू सजेस्ट। यहाँ पे एक सीट और एक स्कूटर इज देयर, आई कैन सजेस्ट, जनरली मार्केट में दिखता है। तो चक्काओं के लिए नीचे डार्कर टोन एंड शेडो, उसके बाद कलर चेंजेस करेंगे। यू कैन गो फॉर यू नो एनी अदर कलर, बट आई विल बी यूजिंग ब्लूइश टोन हियर फॉर द स्कूटी। यू कैन गो फॉर डिफरेंट कलर ऑल्सो, यू कैन यूज येलो कलर टू। सो लेट्स ब्रिंग इट बाई यूजिंग डार्कर वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर। सो दिस इज द शेप ऑफ यू नो अ स्कूटर एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा डार्कर वैल्यू बढ़ा के हम लोग बाकी सारा डिटेल्स बाहर निकालेंगे। कुछ लाइंस कुछ डॉट्स ही सजेस्ट, कुछ ब्लॉक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, मैं ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स पे ही वर्क करता हूँ, इससे क्या होता है कुछ यू नो डायनेमिक फील आता है, ये स्पीड लाइन होना चाहिए रोड का जो पर्सपेक्टिव है आपको शो करने का, बहुत ही स्पीडली। सो लेट्स यूज डिफरेंट कलर्स इन फिगर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ किया और पैंट जो है ट्राउजर उसको डार्क लाइंस, फेस पे भी आप थोड़ा सा वाइट छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि लाइट पड़ रहा है वो फील आना चाहिए। लीव वाइट कलर्स टू जस्ट जनरेट यू नो हाइलाइट्स ऑन द फिगर। फ्रंट फिगर आई एम यूजिंग ऑरेंजिस कलर इन द फिगर एंड आई विल लीव यू नो वाइटिश शॉर्ट। नाउ अगेन ऑन द बॉटम आई विल बी यूजिंग डार्कर वैल्यू, स्पीड लाइंस एंड हार्ड शेडो। That's it. So instead of doing lot of works, same to figure, harder line. Again there is a figure, I will be changing the color. कुछ कुछ darker tones का use करके figure में भी dimension हम लोग show कर सकते हैं, लेकिन don't go for too much detail. So here इस तरह का ब्राइटर्स कलर्स का यूज़ करने से पेंटिंग गॉर्जियस लगता है। लाइटर डार्कर, एक्चुअली पेंटिंग वही है कि आप कितना लाइट कितना डार्क यूज़ कर रहे हो आप रिलीफ करने के लिए, कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो डायनेमिक फील लाने के लिए। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ड्राइंग, देन कलर सिलेक्शन, देन कलर वैल्यूज़ along with you know perspective and balance in this kind of actually cityscapes. So I'm just trying to keep on changing the colors. और एक चीज़ मैं ध्यान रख रहा हूँ कि बैक साइड में जो कलर है जस्ट उसके अगेंस्ट में अपोजिट कलर्स का यूज़ करना, और शेडो का एंगल भी सेम होना चाहिए, एक ही साइड से चारों साइड में पड़े। तो ग्रेजुअली मैं थोड़ा थोड़ा डार्कर वैल्यूज जनरेट कर रहा हूँ ताकि डार्कर वैल्यूज़ को भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ।
So now let's try to use a color on the road also to point, create a point of interest on the road, means just to break the flatness. You can leave it here also, but let's see. I'm using yellow color, just want to balance actually. Jada khasna nahi hai, don't rub too much and keep on changing the colors. Here I have used 3-4 colors, you know, blue, yellow, red. Now sky, just I'll be washing it. That's it, very simple. And we can show, you know, some here. Soil, a brownish color or orange color you can use. So almost the painting is done. Let's use some speed lines and try to create more dimension. I'm using cobalt blue and here just minimizing the, you know, whiteness. So now let's use some lines again, some rods, some poles you can show, but it should be used in a speedy way, means forcefully. Lines bahut hi speedily aapko use karna hai. Like this, you can show some lines on the top of the building also, like this, just to break the flatness. So almost done, I think. If you're new in my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon so that regularly you'll be getting information when I'm going to upload painting. Please subscribe my channel. It's Shyamal Mistra Studio. That's it. Let's thanks each other.